हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुश्री, इस चैनल का होस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारी केरला ट्रिप का 5th डे और अलेपी ट्रिप शेयर करूँगी आज मैं आप लोगों के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ट्रिप। चैनल का होस्ट, आज मैं आप लोगों के साथ हमारे टूर का 5th डे शेयर करूंगी। आज हम यहाँ होटल में रेडी होकर अभी निकलेंगे अलेपी के लिए। अलेपी में वहाँ पे बोट हाउस है, मैं यहाँ वहाँ पर दिखाऊँगी आपको कौन कौन सा प्लेसेस जाएंगे। अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी ये देखिएगा, ये हमारे जो होटल में ठहरे थे लिव इन टेकड़ी, उसका नाम है टेकड़ी में, वो होटल का व्यू है, अच्छा था। और ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था ये भी। अभी हम ये होटल से चेकआउट कर लेंगे, हमारा गाड़ी अभी रेडी है, हम अभी निकल जाएंगे ठेकड़ी से अलेपी के लिए। तो चलिए फिर, रास्ते में हम विज़िट करने वाले हैं हनी फार्म, तो वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अलेपी वहाँ से 195 किलोमीटर से, तो करीबन 2 to 2.5 hours लग जाएंगे वहाँ पहुँचते। ये देखिए, हम अभी पहुंच चुके हैं हनी फार्म में और हनी शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फार्म विज़िट करेंगे। ये रोड के साइड में ही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पोस्टर लगा है, 4 types के बीज होते हैं। ये देखिए, अब हम ये शॉप है वहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हनी स्टोर करके रखा है। और अंदर हम जाएंगे अभी फार्म विज़िट करने के लिए। ये देखिए, यहाँ से फार्म है पीछे की तरफ। ये जो फार्म के ओनर है, ये हमें समझा रहे थे कैसे होता है। ये देख सकते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर ये लोगों ने हनी का कॉम आर्टिफिशियली यहाँ पे किया है। तो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे एक क्वीन भी जो रहते हैं, क्वीन जो रहती है वो एक ही होती है और बाकी सब बीज होते हैं। और वो 4 kilometers तक अलाउड है, वो लोग 4 kilometers तक जाके कलेक्ट करके फ्लावर्स से आते हैं और यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये देख सकते हैं, इनको अगर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये भी कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको साइलेंटली खड़े रहना है, अगर हाथ पैर इधर उधर हिलाएंगे तो वो डर जाते हैं और उससे आपको काटते हैं। तो देख सकते हैं, मैं भी पकड़ी हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, हम वहाँ से 2 bottles हनी लेके आए और यहाँ से सीधा जाएंगे हम अभी अलेपी हमारे जो बोट हाउस में। हेलो गाइस, ये देख सकते हैं अभी हम हमारे बोट हाउस में आ गए हैं। ये हमारे बोट हाउस में है, इधर आओ बेटा। हेलो, से हेलो। हम बोट हाउस में हैं। ये देखिए गाइस, मैं अभी बोट हाउस में हूँ, आप देख सकते हैं। एक्चुअली हमारा चेक इन टाइम 12 o'clock था, पर हमें पहुँचते पहुँचते पूरा 2:30 हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। और ये बैक वाटर जो है, एक साइड में अरेबियन सी और दूसरे साइड में बहुत सारे कैनल्स एंड रिवर्स हैं, और वो कैनल्स के साइड में ही सारे लोग रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये एरिया जो दिख रहा है ना, ये ड्राइवर एरिया है। और ये इसके पीछे ही जस्ट ये आप देख सकते हैं सोफ़ा एरिया दिया है छोटा सा, और उसके पीछे डाइनिंग टेबल चेयर्स हैं, जैसे कि हमारा डबल बेडरूम घर होता है वैसे ही है। और यहाँ पे एक टीवी भी दिया है और हमारा वेलकम ड्रिंक था। अभी यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे 2 bedrooms हैं। ये देखिए, विंडो से व्यू है, दूसरे बोट्स जा रहे हैं। और ये जो हम ठहरे हैं वो वाला बेडरूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल बेड है और टेबल फैन, एसी और एक कपबोर्ड है, मिरर है बड़ा सा और ड्रेसिंग टेबल जैसे। और यहाँ पे जो दिख रहा है बाथरूम है, पूरा जैसे होटल में रहता है गाइस वैसे ही है। बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। और ये देख सकते हैं हमारे बेडरूम के विंडो से। और ये जो एरिया दिख रहा है, ये बेसिन एरिया है और वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं।
और यहाँ से जाने के बाद नेक्स्ट और एक बेडरूम है जहाँ पे कि हमारे जो फ्रेंड्स के फैमिली यहाँ ठहरे हैं, यहाँ पे भी सेम ही है, दोनों ही रूम पूरा सेम है। और यहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट लास्ट में है किचन एरिया। ये देख सकते हैं मैं जो एंटर कर रही हूँ, ये किचन है, ये किचन होने के बाद लास्ट में बोट एंड होता है। एक्चुअली यहाँ पे सब अच्छा है पर बच्चों को लेके जाए तो थोड़ा कसरत रहेगा, इधर उधर जाएंगे तो डेंजर रहता है, पर यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है गाइस। ये देख सकते हैं दूसरे बोट जा रहे हैं वहाँ से। अभी 5:30 तक हमारा बोट जो है मोशन में रहेगा, 5:30 तक पूरा लेग घुमाएंगे, 5:30 के बाद और स्टॉप हो जाते हैं, कोई भी जगह पे रोक लेंगे। तो 5:30 के बाद एक्चुअली फिशर्समैन वगैरह वो फिश वगैरह पकड़ते हैं तो इसके लिए अलाउड नहीं है। ये देखिए गाइस हमारा लंच जो है रेडी है, ये 3:15 के आसपास हो रहा है, लेट हो गया है। देखिए फिश, और ये एक डिश है केरला का स्पेशल डिश, और यहाँ पे एक सब्जी बनाया हुआ है, और यहाँ पे सलाद है, फिर फ्राइड राइस और अचार, कॉर्ड, सांभर सब है, बहुत पापड़ भी है यहाँ पे। तो अभी बोट चल रहा है और हमारा लंच करेंगे पूरा, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बहुत ठंडी हवा भी आ रही है। ये देख सकते हैं गाइस वहाँ साइड में कैनाल्स वगैरह है, अगर हम जल्दी पहुँचते तो छोटे छोटे बोट में फिर से जाके कैनाल्स में लेके जाते हैं, पर हमारा तो लेट हो चुका था तो हम वो मिस कर दिए। अब मैं आपको इसका डेक एरिया दिखा रही हूँ, देख सकते हैं ऊपर हम जा रहे हैं डेक एरिया में खाने के बाद यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। ये ऊपर से व्यू है, बालकनी टाइप बनाया हुआ है ऊपर भी।
का टाइम हो रहा है गाइस, थोड़ी देर बाद हमारा बोट एक जगह पे रोक लेंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे, एक बीच है वहाँ पे अल्फुजा बोल के, वहाँ जाने के बाद मैं दिखाऊंगी। ये देखिए हम ऑटो में अभी आ गए हैं अल्फुजा बीच में, ये अल्फुजा डिस्ट्रिक्ट में है, इसके लिए उसका नाम अल्फुजा बीच है। तो अभी हम बीच में थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, अभी वहाँ पे तो बोट रुके रहेगा, वो लोग हमारे लिए डिनर प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए हम अभी बीच आ गए हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ भी। ये देखिए गाइस हम अब निकल चुके हैं बीच से, और यहाँ कुछ बाहर चाय नाश्ता करके हम अभी जाएंगे हैंडीक्राफ्ट शॉप पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब हम आ गए हैं हैंडीक्राफ्ट शॉप में, ये जो बुलेट दिख रहा है और बाकी सारे चीज़ें जितने भी हैं पूरा हैंडमेड है और पूरा वुडन है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप बहुत सारे चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैंडमेड है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, अफोर्डेबल थे। यहाँ से शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम सीधा अभी चलते हैं अपने बोट हाउस पे, तो चलिए फिर वहाँ चलते हैं। ये देखिए गाइस जब हम पहुँच चुके हैं हमारे बोट हाउस में, यहाँ पे बोट है, देख सकते हैं बहुत सारे बोट्स यहाँ रुके हुए हैं, जैसे दिख रहे हैं डबल स्टोरेड बिल्डिंग जैसे। और अब हम आ गए हैं हमारे बोट हाउस के अंदर, और यहाँ पर हमारा डिनर भी रेडी है, तो चलिए फिर गाइस गुड नाइट, मैं आपको कल सुबह मिलती हूँ, कल सुबह का व्यू दिखाऊंगी। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, ये देख सकते हैं ये अर्ली मॉर्निंग व्यू है हमारे बोट के डेक एरिया से। ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स जो हैं बैठे हैं पानी में फिश पकड़ने के लिए, और वहाँ से दूर छोटे छोटे बोट्स वगैरह हैं, जैसे कि फिशरमैन फिश पकड़ रहे हैं वहाँ पे, और अभी तो सन राइज भी नहीं हुआ है, अर्ली मॉर्निंग है, बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। ये देखिए गाइस ये मॉर्निंग 6:30 का व्यू है हमारे जो डाइनिंग हॉल है वहाँ से, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस, और आप भी एक बार आइए, बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे।
और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर रहे हैं और अब हम यहाँ से निकल जाएंगे और जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहाँ लेके छोड़ेंगे बोट में हमें। तो अभी भी हमें 1 आवर तक बोट में जाना है फिर से जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहाँ तक। तो चलिए फिर हमारे साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे। ये देखिए गाइस, हम अब बोट से उतर चुके हैं, आप देख सकते हैं बोट से चेकआउट कर चुके हैं। अब हम निकल जाएंगे कोची के लिए आलेपी से और हमारा गाड़ी भी आके रेडी है यहाँ पे। कोची से हम सीधा एर्नाकुलम स्टेशन जाएंगे और वहाँ से सीधा जाएंगे घर। तो चलिए फिर गुड बाय, मैं आपको घर पे मिलती हूँ गाइस और आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या शॉपिंग किए थे क्या नहीं।